नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर कार्यक्रम लेके आ गई राज से ऐसे कैमरा पर्सन सरोज के साथ में ये कार्यक्रम में हमारे हमन की समाज में तमाने से विकृति बा और हमारे विकृति के कैसे हटा सके के एक साथ में हमारे अपन जीवन कैसे सफल बना सके के और हमन के कौन भी संघ संस्था में ढीला सुस्ती बात है ओकरे वो ढीला सुस्ती के हमारे कैसे हटा सके के इस संबंध में हमारे चर्चा कर जत और हमारे जान पहचान व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान कल जत ते कौनों के भी कौनों की प्रतिभा बा ते उजागर करे हमारे का करे परी इस संबंध में हमारे चर्चा कल जत। ऐसे आज हमारे अतिथि के नौता धर गिल बा तिलोत्तमा नगर पालिका 10 के जनप्रतिनिधि प्रभावती हरिजन से हमारे वहाँ से आज बातचीत कल जी अभी संगरी साथ रह जी कार्यक्रम में ते कार्यक्रम में आपके स्वागत बा। धन्यवाद। हाँ ते वैसे आप जनप्रतिनिधि सबसे पहले थे आपके हमारे बधाई देख साझा बा वैसे इस क्षेत्र में लगल गिल बा ते इससे पहले भी आप एक तो सामाजिक क्षेत्र में लगल के व्यक्ति हो जला कि और कौन भी काम कर जाते रहे और वैसा का कुछ नहीं करा था हल गई मने अब पहले उतना था हो नहीं रहे अब जब हमारे प्रतिनिधि भैल गए हमन के जनता चुन लेन तब से मनो हमारे अब यहाँ जैसे जानल जाता कि मने हमारे समाज में काम कैसन करल जी कह के। हाँ तो इस क्षेत्र में जो ना आप लागल गिले हाँ तो वैसे आपके इच्छा का रहे कि हम इस क्षेत्र में लेके समाज के सेवा करब के सोच रहे आपके। हाँ हमारे अब कहना हमारे जब जनता हमन के चुन लेन तो कहना हमारे जनप्रतिनिधि ग्रुप में आयल गए जीतल गए हमन के जनता जीतल तो हमारे अपन जनतन के सेवा करल जी कह के वहन के मने इच्छा मने उथी पूरा करल जाए कहन के मने कथी जैसे अब गांव घर में कैसन होता अब हम हन के महिलन के बा महिलन के अब घरेलू हिंसा पानी बा महिलन के कहना घर से बाहर पानी ना नहीं करा रहे ढेर जैसन। हाँ तो वैसे जो ना आप एक ठू जनप्रतिनिधि हाँ तो इस क्षेत्र में रहिए जो ना आपके एक ठू समिति बा कैसन कैसन काम कर जाता आज तक के समिति मने हमन के कहना अब काम तो ठीके करल जाती मने क्यों झई झगड़ा क्यों के मनो अब झगड़ा झही रहा ते ओखान के मिलाएल जाली आ क्यों मने अब देखल जा लैकन के क्यों अब बिटियन के बोर्डिंग में बेटवन के कहना बेटवन के बोर्डिंग में बिटियन के सरकारी में पढ़ाता टेन उहो कुल ते मने कहल जाली वैसा ना करे खो बिटिया बेटवा को भेदभाव ना करे चाह कह के मने बहुत तकल झगड़ा झई मिलाएल गली हमारे गाँव घर में ढेर जैसन हमारे ना जाए दहल जाली पुलिस चौकी और जगह मने हमारे गाँव में बढ़िया थी दे के कहन के मने देखभाल करल जा थी जब मने कहन भी जान। हाँ तो वैसे हमारे इतना घड़ी देखल जात बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और कार्यक्रम के साथ में हम रात इसने हमन के कैमरा पर्सन सरोज और साथ में हमन के आज के अतिथि बैठे प्रभावती हमारे वहाँ से बातचीत कर जात बा तो वैसे हमन के समाज में तमाने से विकृति विसंगति बा ते आप भी कहल गेल कि हमन के जो गाँव घर में एक झगड़ा रहा थे ओकरे हमारे बाहर निकले ना देखे गाँव में मिला के कोशिश कर जाते तो वैसे जो मिला के क्रम में कहीं केहर केहर मने अब सुन भी देखे भी मिला कितना मने जो भोगत बाटी कि जैसे अब जनप्रतिनिधि बाटी ते ओखन के अपने मन बा ते गलती कैले बा तब पर भी ओखन के एक टू ढाक छोप करे के चलन बा ते आपके ये जो समिति बा आपके गाँव घर में बा वड़ा में कौन भी ऐसा समस्या आ गल ते एक कैसे समाधान कर जाते कि जो आपके जो मन बा नगीचे के मन ओके तनी बढ़ावा दाल जाते गली ढाक छुप कर जाते कि सब जन के समान रूप से हेरल जाते अब सब जन के समान रूप से हेरे परी अब कैसे ढाक थोप करल जी ते कहना फिन से ते उथी हो जाई अब वैसा ढाक धोप करल जी फिर कहन के ना कुछ शासन दे के वैसे छोड़ दहल जी तो फिर वह बानी करी है फिर ओकरे वैसे रही ना कहा कि मतलब जैसे कोनो गलती कैले बा आपिक माने पर गिल ते उस जगह में कैसे का कल जाते है न्याय कैसे दहल जी जौन देखल जब न्याय तो दिहाय परी चाहे अपन मन रही चाहे जौन जैसा मरी हम हमन के आँख में हमन के उथी में तो सब जन अपन होने अब अपन ना अपन तो वैसा कहा करल जीते हमन के ते तब ते जनते वैसा उथी हो जनतन के देखी सीखी फिर दूसर जना वैसे ही करी हैं आ वैसे जब ओके कहना ढेर ना माने वाला रही तो के सजा दंड देवे करल जी तपू वाला सुधारी ओके सुधारे हमहन के काम हो ना सुधारे के कहना वैसे देख के दूसर जाना पानी करी वही कुमारे अब हमारे कहन के चाहे हाँ कल के मतलब जिसे चाहे अपन मने चाहे बाहर के आप एक ठू जन प्रतिनिधि बा सब जन के मने रह गई बा हमन के अब केकर गलती हो के छुटा के ओखन के निर्णय कर जात
हाँ अब वो कहन केकर गलती हो आ केकर गलती ना बा कहके ते उ ते माने अब छुट्टी ही पड़ल अब जेकर गलती रही ते हु नाई गलती रही तब अब दोनों जन के इकट्ठे कह के तब ना हमरे कहना कहन केकर गलती बा केकर गलती ना बा तब हमरे कहना कहन के छुट्टी आई जी। अब ढेर जैसन हमारे गांव घर में झगड़ा हो तो मने अपने में लड़ा ने भीतरे भीतरे ते बताइबे नहीं करने था है नहीं रहा था है नहीं देना कहना हम हन के घर के झगड़ा घर ही रही बाहर ना करल जी नहीं ते कहना बेइज्जत हुई बदलामी हुई कही के ते बेइज्जत बदलामी में वैसन सोच के वैसन रहिए ते दुख के पाई जे हिंसम पड़ल है वह दुख पाई ते हमारे कहल जाली कि मने वैसन सह के ना बैठा तोहरे तोहरे आवाज़ उठावा तोहरे क्यों रस नहीं कह पाइबा तो हम से कहा हम बाटी लिया हम के से कहा हमरे ऊपर बढ़ाए जी केस कह के तब अब जे जाने लायक बा बूझे लायक तो कहला ए चला ऐसे नहीं हम हिंसा नहीं साहब आ ढेर जना तो कहा ना ए अपन घर के अब जाए जाए तो हम के बेइज्जत हुई एकर घर में ऐसा होता कह के तब वैसे नहीं कह के ढेर जना गाँव घर में अभी ना बूझत बाटें तो ऐसे नहीं करा था टेन। हाँ तो वैसे जो ना आप जनप्रतिनिधि बा कैसन कैसन मुद्दा अक्सर के आते अब कैसन कैसन मुद्दा देखल जा ढेर जैसन ते झगड़े के हो ढेर जैसन झगड़ा हो कूट पीट ते बा बकीर तबो पहले जैसन ना बा ढेर हट गई कूट पीट ढेर जैसन अब महिला हिंसा के ना ते महिले के हिंसा करा था ढेर अपने अपने में हिंसा करा था टेन वैसन बा वैसन बा क्यों टोनहीन बा क्यों भोक्सिन बा तो क्यों क्यों कपड़ा लगा के देखिए हेरत जाते वैसन रेंगा था कही के ऐसा कहे लगे तब वैसा नहीं कहे चाहिए जनता सब जना हमारे महिला पुरुष सब बराबर हो जाली तो क्यों ना हिंसा नहीं करे घल सब जना मिल के बैठे घल हमन के ते इहे कहल जाली हमन के चाहना इहे बा बाकी रह सब जना बूझे लायक ना बाटा सब जना घर से बाहर नहीं निकलत बाटें कितना महिला बाटन ते कहूँ नहीं चाहिए कहल जाला कितना कार्यक्रम में चला कार्यक्रम में बुझबा सुनबा ए हाँ ले जाए कह के जेबे नहीं करिए आ फिर जेबो करिए ते जुड़ते उठ के भाग जाइए कार्यक्रम नहीं हो रही तबे जाए लगिए उठ के तो कैसे बुझिए जब बाहर जाइए तब ना बुझिए। हाँ तो वैसे अब जो नहीं बात कहा जाता हमारे कहीं भी बाहर कार्यक्रम हो ते गांव घर से जो महिला लोगों की सहभागिता रही कौन भी महिला जो ना हमन के दीदी बहन बाटी उस सब कार्यक्रम में सहभागी हो जाए तो एक तो गाँव से भी कथी बा कि फलने बिगड़ गिल कह के ऐसन ऐसन सुने भी मिलत ते आप भी इस क्षेत्र में लागल गिल आप अपन गांव समाज से घर परिवार से कितना पीड़ा खपे पड़ल कि जिसे आप इस क्षेत्र में लागल गिल बा ते बाहर से तमाने आलोचना आते कि फलाने फलाने ऐसा कर बाकी के ते आपके कितना पीड़ा भोगे पड़ल इस क्षेत्र में लागत की थे देखल जाए हमार ते पीड़ा भोगे ते हमार ओरना नाई उठी होइल हमार घर के परिवार जितना बाटे ओना सब सक्रिय बाटे सपोर्ट कइना केहू कुछ नहीं कही हमार घरे दब दुई ठु बेटा बाटे अब हमरे बूढ़ा बूढ़ी बाटी जा केओ न कुछ नहीं कहा त कहू से जाली कोनो कुछ कार्यक्रम सुन के जाली ते ऐसा हो कह के अपन घर में बैठ के समझा ली कि ऐसा ऐसा नियम हो ऐसा ऐसा कानून हो कहके ऐसा करे अपन मने बेटा मन के समझा ली घर परिवार के समझा ली हमार घर के परिवार के उन्होंने कहा ला का करे ऐसा में लगले का करे गईले कहके कब्बो नहीं कहा लेन एकदम बढ़िया से मने चेहे जहाँ जाए कर रही थे कहिए जो अब मने हम अकेले बाटी अपन घर के तब हम कार वो रुआ के जा ली अब ऐसे नहीं हमार जैसे जब सब महिला हो जीता तो कितना बढ़िया रहत गाँव घर में मीटिंग बैठक करल जाली कि आवा हमारे सब महिला भर एक उथी हो जा कहके केनो जाना केनो के हिंसा ना करे सब जना बढ़िया से अपन कहना सब जना नियम कानून जाना कि कैसन नियम कानून बा केना जान के था है नहीं बा नियम कानून कैसन हो का हो कही के कुछ पता नहीं बा अब बोला के ले जाए तब बोनी जाइए कुछ अपन मने जैसे हिंसा पड़ल बाट तब वो आके फिर एक से पूछे के चाहिए नहीं कि मनो कैसन हो है बात कैसन हो कही के पूछे के चाहिए पूछबे नहीं करन ते हमरे कैसे आने घर में जाके पूछे से नहीं भइल कहीं ए हमार घर में आयल बा ऐसा नहीं कहना पूरा उथी बने आयल बने त आइन होते कहे मने कहा लेन मने बकर तब हमन के रिस नहीं लागत। हां ते कोनो भी क्षेत्र में हमरे सफलता प्राप्त करे खातिन आलोचना ते हमन के खेपी ही पड़ी। हां जब तक हमरे आलोचना खेपी नहीं सकल जी तब तक सफल हक नहीं सकल नहीं सफल हो जी जबले हमरे नहीं एकदम कहना उथी हो के हमरे सक्रिय हो के नहीं जाय जी बाहरे नहीं अपन उथी करल जी अपन हक अधिकार नहीं खोज जी तबले हमरे नहीं पाई जी। हाँ तो वैसे जो ना हमन के गाँव घर में ढेर से ढेर विकृति बा अब कितना जो ना महिला बाटे एक नरके जीवन बिताए बाद दे बाटे जबकि हमन के ये दशमी बेल्ट में और ज़्यादा बा वैसे जो ना एक दहेज न पाके ओखन के घर परिवार कहल जा मर्द कहल जा तमन हिसाब से पीड़ा दी बाटे ते ये हटाए खातिर कितना पहल कर जाते या आपके जो नज़र में बा ये कितना देखल जात बा गाँव समाज में जो एक नरके जीवन बिताए बाद दे बाटे हमन के निर्दोष महिला देखल जाए वैसा तो बहुत बाटा अभी
बटलो बाटा बटलो नहीं बाटा कहें कि कितना जना हमरे जान आ जाली तबो कहल जी दहेज ना मांगे दहेज मांगबा तो तहन के सजा होई दंड होई कहके आजकल कहना नियम कानून ओइसन ही निकलल बा आ कहना दहेज ना मांगा खुशी से जितना दे दी कहना उतने ले है खुशी से दे दी तो उस बहुत बढ़िया हो नहीं अबे हमरे मांगल जाओ कैसे जबरदस्ती मांगल जा तो कहना वो बेचारा के जन कहाँ से लियान के दे नहीं ओकर बा उतना देह भर के कि नाई बा नाई रही देह भर के तो कहाँ से दे तब ओकर पीड़ा ओकर बेचारा उतना पीड़ा भइल है तो हमरो तो उतना पीड़ा होइल हम एक बेटवा देहली एक बिटिया पैली एक बिटिया देहली एक बेटवा पैली वैसे ही तो होनी अनेक बिटिया हमरो बिटिया होइल हमार बिटिया अनेक बिटिया भइल बकिर का सब जना ऐसे ही सोचे लाग रहा था ठीक रहे बकिर तब वो फिर पहले ले भंदा अब ढेर मन के सुधार आइला नहीं मांगे चाहिए कह के आजकल देखा जा कि अपने से मन परा लेता टेन अपने से मन परा लेते हैं तो कहीं हमें दहेज वहेज नहीं चाहिए हमें मन ही भर चाहिए तो वो ठीक है बकिन लियान के बढ़िया से पाल पोस करे फिर वैसन कह के पानी दूसर अब लियान बाटे वैसन कर ठीक नहीं हो बकिर अब सके समय हमारे कहा जाती मन जैसे आप सब इस संबंध में कोनो कार्यक्रम लियाने के सुनसर खड़ गिल बा कि हम उनके जो महिला पुरुष में भेदभाव ना होए और ऐसे ऐसे हम उनके जो दहेज प्रथा बा ये निर्मूल होते जाए ऐसा संबंध में कोनो कार्यक्रम कल जात बा ऐसा तो कार्यक्रम हमारे अभी ने कुछ नहीं रखल गिला बाकी अब मनो सोचल ज़्यादा सोच एक मनो कि आगे हमन के कितना हमारे कसी कही कही सकल जाए जनता के लिए कि कितना बढ़िया जनता रहा जनता खुशी रही है तो हमरून खुशी रहल जाए सब जन के खुशी रहे पड़ल अब देखल जा गांव घर में तो ढेर जैसन अब बेरोजगार पीड़ित बाटन पुरुष तो मने अब बेरोजगार बाटा केना जे विदेश जाता जाता वहूँ कितना दुख पावा तटन आ घरे बाटन ते घरे बेचारन दिन भर ईटा गारा करे जाता टन आ एक दू दिन काम नहीं करे जी हैं तो खाए नहीं पही हैं बेचारे आ कहना अब महिला बाटन महिलन के कितना पढ़ल बाटा कितना नहीं पढ़ल बाटा अब घर घर गृहस्थी में लागल बाटन तब वो पर अब महिलन के कहना हम मनो जैसे उन्हन के जैसे सिर्फ मुलक तालीम जैसे मिलत तालीम बोलीम कि हर हाँ जब स्वरोजगार हो सके हाँ स्वरोजगार जैसे तालीम पुरुष के अलगे महिला का अलगे जैसे आते के जाने वही से ओकर कमाए खाए सीख लेता कि सिलाई कटाई भइल और जैसे बढ़िया बढ़िया मने अथी के है कहना मोबाइल बनाए वाला भइल कंप्यूटर वाला भइल कोनो भी आय मूलक कोनो भी आय मनो आय मूलक कार्यक्रम मनो जैसे तालीम चाही मनो बकिर वैसन पाइते नहीं बाटना अब वाड़ा से देखा जाए नगर पालिका दें तो एक वाड़ा के दुई जना तो वैसन तो कितना जना अब देखा ला एक वाड़ा के दुई जना तीन जना माँ कराने अब पठाने जे जाना ला ते कहा ए ओके ओके भर पठा देना हमन के नहीं पठाइना ऊ कहीं हमें नहीं पठाइना तब देखा जब दुई जन के रही ते के पठाई हैं तब वो तो सोचे चाहिए बकिर अब जनता ना बूझा तटन तो कैसे कही हैं हमारे तो बूझा थी जब दुइये जनक मांगले बाटना तो कितना जनक पठाए जी तब इहो कुल ते अब जनतन के हमरे कैसो कहल जाली कि मैंने ऐसे ऐसे हो कह के तब क्यों न बूझे वाला रही ते कही हाँ ठीक है बाब इतने जन के होते कहाँ ढेर जना जाए एकदम समझाए पड़ाला कि मनु कहना अब देखा दुई जन के रहे तो कैसे जाइबा ढेर जना अब जाइबा बाहर वहाँ से घुमा दिए तो कथी करबा तो कही ए ठीक है बा अच्छा अब जनाए जाने जबरदस्ती पठा देना ओके भर हम हन के पठाइबे नहीं करना कितना कितना आई पठाइबे नहीं करना इतना जितना जितना आया था कार्यक्रम हमारे दू दू जना तीन तीन जना जना नगर पालिका मांगल वन दे दल जा रही हाँ तो वैसे हमारे इतना करीब बातचीत कर जात बा वो कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में रह के और आज हम लोग अतिथि बाटे प्रभावती हरिजन और इसने हमन के कैमरा पर्सन सरोज के साथ में और हम संचालक राज थे वैसे हमन के जो समाज की तमाने से विकृति विसंगति बा अब वैसे हमारे छोटे बार जो नेटू बाल बिया कहा जाते पहले और आज के तुलना में अब एकदम ही नींद हो गई बा बकिन कई जो दहेज बा हमारे के अब पहले से घड़ गिल बकई के कहने बकिन का पहले एक ठू जिनसी के हिसाब से देता है आजकल फिर भी हमारे देखा जीते उससे ज़्यादा बढ़ गिल बा कोनो जिनसी देला कोनो एक ठू नगद देला वह तो एक ठू दहेजी हो ते हमन के अब आजकल तो सोचे हो गई बा कि बाइक चाहिए कि हमन के एक ठू नहीं एकदम विकृति हो इस सब हटाए करती आप सब पहल कर जी के हमन के पूर्ण विश्वास बा ते वैसे हमन के जो घरेलू हिंसा बा और एमा आप सब कितना कदम आगे बढ़ा लगे बा जैसे कि अब पुरुष लोगन बाटे महिला के हर एक हिसाब से दबाव देने कितना पुरुष बाटे दिन भर काम भी नहीं करी है और महिला घर के काम भी ते काम हो दिन भर काम में व्यस्त रही हैं संजय का के दारू पी के अब तमाम प्रकार के दबाव दिए तेमा आप लोगन कितना सचेत रह गए बाते अब देखा जाए हमें तो हमारे मने अब जितना देखा जाती जितना उतना हमारे सपोर्ट करा थी
कि मनुष्य के समा ऐसा ना हो कहके महिला के पीड़म ना करा मनो जैसे महिला पीड़म रही है बेचारन सबसे पहले उठत बाट अभियान के सबसे पाछे सूतन है महिला नहीं अब देखा जा सबसे पहले उठी सबसे पाछे सूती हैं आ घर के काम जितना रही सब ते महिला करा था टेन पुरुष तो जैसे बाहर चल जाना काम करे एक के काम में रहने अब महिलान के तो ढेर कार रहा थे तब वही के नाते पुरुष के मनो सोचे के चाहे समझे के चाहे कहके तब वो हमरे जितना देखल जाली उतना हमरे वैसा ना ही करके देखल जाली अभी एक के दिन हमने गाँव वैसे एक जन करत रहने बाकी हम अपने गईली कहना वहाँ समझा के बुझा के कि आज के बाद न मारल जी न वैसा करल जा कहना आने के बिटियली आन के वैसा करे के ना चाहिए हिंसा ना करे के चाहिए कहना मैंने ढेर हमरे समझैली बुझैली ते मने वो एकदम बढ़िया से रहे लगना ना मारना तब से एकदम बढ़िया बात है तो वह कहाली कि हमरे देखे जितना देखा जी तितना हमरे अन्याय करे ना दिल जी हाँ तो वैसे जो ना आप सब आल गए बाद एक जनप्रतिनिधि के रूप में गाँव घर में देखा जाए तो पहले और आज की तुलना में कितना सुधार भेल जी सुना थोड़े के अवधि में कैसा ना फर्क पाल गए बा जिससे पहले अब ज़्यादा ये जो हमन के सामाजिक से बिगड़ती रहे बाकी इनका आज घड़ी जो आप सब आगे आल गए ये सेवा करे खातिर ते कितना अपने आप में फर्क पाल गए कि जिससे कुछ सुधार सकल गए जिससे प्रतिक्रिया हाँ वैसे तो मनो सुधार के कहानी वैसे तो हमन के मौके नहीं रहे बोले के वैसे कहना मौके नहीं रहे अब तो हमारे जिसे जनप्रतिनिधि के उठी से हैसियत से पानी उन्हें के बोल जाली कि मन ही है कही के डांटे बोले के मन ही है कही के हमन के कुछ उतनी के जैसे मनो हैसियत कुछ और हो गई ला कि मनो कहन के हमारे हमन के पद हो हमन के कहना जनता चुनले बाटा का करे मारे कहना जनता के कुछ सेवा करे के मारे कुछ वो कहन के सुधार लिया नहीं मारे तब हमारे वैसा तो मनो ठीक थे बकिन आजकल ढेर मनो बा बढ़िया नहीं बा पहले जैसा पहले तो बहुत मार पीट कूट पीट बहुत होते रहे बकिन देखल जा कहूँ कहूँ बा भेन कोने कोना में बा भेन कहे से कि हम एक दिन देखली हमारे ओड़ा में ना दूसरे ओड़ा में ओड़ा के नाम ले मिली कि नहीं मिली अब जैसे वैसा तो नहीं ले चाहिए बकिर का हम वहाँ पीटत रहने हम गईली हमार घर के परिवार कहना ना जो तू दूसर के वाड़ा हो तू दूसरे के वाड़ा में जेबे तो कहना तो के फिर जैसे कुछ केस हो ऐसा कि होला कि हम कहली नहीं चेहे जहाँ मन ही रहे जे कहना दुख में पड़ाला ते के हमरे उद्धार करे हमन के काम हो हमन के उद्धार करे काम हो चेहे जे रही तो हम गईली वहाँ पुग गईली तो कहना गईली तो कहली का करे मरला बेचारा के इतना मल्ले रहने इतना मल्ले रहने ते महिला रहने वहीं अपन पूर्व कहना अपन उनके कहना बुढ़ावा वहीं रहना वहीं सास ससुर ननद सब मारत बाट कैसन के परिवार रहे वहीं बैठ के ताकत रहे आ कहना ना गई ताके कि हमार मनो बुढ़िया के मारत बाट कह के ना गई इतना मरला इतना हमारे पाछे सुन के गईली तो कहा तोहरे के होला वाला के पठाई लग तोहन के हम कहली हमन के क्यों नहीं पठाई ले हमारे अपने से आयल गईली क्यों न कूट पीट करत देखल जी मारत देखल जी मरत देखल जी तो हमारे दगुरल जी हमन के मानवता हाँ हमारे दगुरल जी चेहे जे रहे हमन के उधार करे काम हो हमारे जाए जी ते ऐसे पूरा झगड़ा करे लागल हमार माता जी ऐसा माता जी हम कहली माता जी के नहीं अथी करे चाहिए माता जी ना ही क्यों ना उमरी हैं पीटी हैं कहना तोहरे ऐसा ना करा ढेर बात अथी करे लागल का हमारे चलिए लीजिए उहे वार्ड प्रतिनिधि से हमारे कहली तोहरे कहना एकदम एक ना वो टीप के कहना यहाँ ना माना था कहा था हमारे वार्ड में इतना कहल गई ना माना था कहल के ना माना था के सीधे जिला डाल देना कहना इलाका में तब बल्ले ही डराई वहाँ के प्रतिनिधि कुछ नहीं कैलन हम कहली हमारे साथ देहल जी तब वो पानी कुछ नहीं तब अभिन शिवरात्रि के फिर ओके मुँह में चाह फेंक दिल रहने देखल जाए इससे एक से हिंसा कितना ढेर हो ओकर मुँह में चाह फेंक देना हम तो नहीं जानली हम जानती थे वह दिन हम जाती बकर हम ढेर पाछे जो ना ये जन्म जगह ये घटना भइल बा और वहाँ के जनप्रतिनिधि बाटे बाटन देखत बाटन कुछ नहीं करत है हम कहली तोहरे नहीं करवा तो हम करब ते हमार घरे कहा ना कि दिस तू कौन वार्ड के हो आप खोली भी सकल जी हमन के खोले ते ई वार्ड नंबर कहना है हमन 10 से हर कथी 12 12 12 12 नंबर वाड़ा में हमन के ठीक के 12 और 10 के साथ में बा कहना ये के हम कितना हम उठी कैली बकिर बेचारा ओकर इतना सजाए बा घरे से बाहर नहीं निकल दिया था ये वो एकर घरे से ओकर घरे में दरिए दरिए घरे बा क्यों नहीं एक पतोहिया जाला नैने घरे आ ओके कहूँ नहीं जाग देना ओकर लाई का बड़ी बड़ी बाटा ओके स्कूल में जाए स्कूल में से छोड़ के आए दिन भर अपन घरे ओके कुल जना नंदिया नंदिया एक ननदिया पकड़ के एक नंदिया मुँह में चा फेंकलक सास ससुर देवर सब मारत बाटन ओके देखल जा अभी शिवरात्रि के बाद ओके एकदम कूट पीट के ओकर क्यों नहीं बा देखल जा ओकर आमा नहीं बा ओकर बाबा नहीं बा दाई भाई भर बाटन ते कहना
ओकर क्योंनो नि बात अभी यहां तक रेगल के जनप्रतिनिधि भी साथ नहीं देत बाटे साथ नहीं देत हम ते कह देथि अब पाछे हमार ऊपर विद्रोह करही ओकर ते के जान विद्रोह पानी करे सके है कि तू काहे हमार वाड़ा से वाड़ा निमुसी कहले कह के कहिए नहीं बकिन का ई हम एकदम देखली दुई बेर उ कहना उ त वाड़ा को मनाई हमें कहना हमार खेत उही बा हम गईली ते कहा ताटा उ हमार लगे गइलन का हेरता इस तो भाषा कह के कहना हम कहली दीदी हम नाई आने को वाड़ा हम नाई करे सकब ते कहा था काहे नहीं तू कहना सहयोग करे के दुख पाइल मनाई के तू दे काठमांडू से मनाई आके ते सहयोग करिहे तू नाई करे सकबे ते हम कहली दीदी आप कहना कहियो मारी ते हम अलग जुड़ते फोन करे ओकरे ना साथ देत हां ते हम जावे उ क्योंनो घरे नहीं जा पाता ओके सिखाइतेन कि मनु तू जो बाहरे नहीं करियाबे बाहरे नहीं करबे तब बाघ टेढ़ा देखबे नहीं ते नहीं देखबे ते उ जइबे नहीं करला अब कहाँ तक मार कूट पीट सही के रही उके बहुत मार दे थन का बहुत मारा था हम ते कहली हमार वाड़ा मैसन हो जी ते हमरे नहीं छोड़े हमन के कोना कोना वाड़ा मैसन कहूँ नहीं होता हाँ ते वैसे हमरे बातचीत करते विद्यालय समय हो गई बात ते आप भी अपन अमूल्य समय दिहल गिल एक और कितना आपके हृदय से धन्यवाद देख जा जब अब हमहू के तक बोले के इतना अवसर दिहल गई हमें कितना खुशी लागल अब यहाँ बुद्ध चैनल में नाई आई रही आज आ गई बाटी हमें बहुत खुशी लागत था अब फिनु हमें मनो बुलाई जाए एक करथिन बहुत बहुत धन्यवाद हम देत बाटी हाँ ते वैसे हमारे इतना घड़ी बातचीत कर गई हमन के तिलोत्मा नगर पालिका और नंबर 10 के जोन प्रतिनिधि प्रभावती हरिजन रहने हमरे वहाँ से बातचीत कर गिल और हमन की सामाजिक विकृति हटाए हमरे सब जने लागे परी अब कोनो भी वड़ा में हो या नगर पालिका कहीं भी हो कोनो भी टोल छरछिमिक भी हो हमरे जब तक सहयोग करे नहीं सके तब तक हमरे मानव नाई के हालाक हमरे एक मानव के खोल ओढ़ के बेकार काम करे ठीक नहीं हो हमरे अपने आप में सब जगह सब जने मिल के चाहे महिला चाहे पुरुष अच्छे जे रहे हमारे सब जन के सही करे हमन के धर्म हो तब हमारे भर के मानव कहला सके और जैसे आप सब भी आपके गांव घर में कहीं भी टोल छिमेक में ऐसा विकृति हो ते हटाए के कोशिश कर जा जनप्रतिनिधि मिलके हो अपने आप पे गांव समाज मिलके हो सही करे तब भर के हमारे असल सभ्य समाज निर्माण कर सके ऐसे हमारे बातचीत करते विद्यालय के समय हो गई बातें कार्यक्रम से हम संचालक राज ऐसे ने हमन के कैमरा पर्सन सर दोनों के बीच धन्यवाद ऐसे ने हमन के फिर से आज के अतिथि जीव के भी धन्यवाद दी हम संचालक राज भी आपसे विदा होती नमस्ते।